मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के गांधी पार्क में विजय दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने शहीद स्मारक पर पहुंचकर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विजय दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भूतपूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं को शॉल ओढ़ा करके स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। वहीं विजय दिवस पर आयोजित निबंध और कला प्रतियोगिता में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम धामी ने घोषणा करते हुए कहा कि सैनिकों के आश्रितों को भर्ती के पूर्व दिए जाने वाले प्रशिक्षण के दौरान भोजन व्यवस्था के लिए प्रतिदिन दी जाने वाली धनराशि 80 रुपये से बढ़ाकर की 225 रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी की जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि आज का दिन भारतीय सेना की वीर जवानों के अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का उत्सव मनाने का दिन है। पहले भर्ती से पहले प्रशिक्षण करने वालों का जो भत्ता था 80 रुपये, निश्चित रूप से अभी हमारे यहाँ से बहुत सेना को, अर्धसैनिक बलों को, अन्य क्षेत्रों में बहुत सेवाएं देने का काम हमारा राज्य करता है, इसलिए उसको बढ़ाकर 225 रुपये किया है। निश्चित रूप से इससे और ज़्यादा हमारे प्रदेश के अंदर नौजवान आगे आएंगे और अपनी सेवाएँ